नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के तांडव से पूरा देश परेशान है। ताज़ा जो रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,59,000 नए केसेज आए हैं और 1761 डेथ हुई है। ये डेथ अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जहां से सुनिए वहीं से ये खबर आ रही है कि न दवाई है, न ऑक्सीजन है, न बेड है। दवाइयों में खास तौर से जो है रेमडेसिविर की डिमांड हो रही है, वो नहीं मिल पा रही है। और एक सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा था कि आखिरकार भारत में जब वैक्सीन बनाने की इतनी बड़ी क्षमता है, तो वो वैक्सीन युद्ध स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा क्यों नहीं बना पा रहा है। अब जो है बात खुल करके सामने आ रही है कि भारत की कोरोना से लड़ाई और वैक्सीन बनाने की क्षमता होते हुए भी ज़्यादा वैक्सीन क्यों नहीं बना पा रहा है, कहाँ पे पेच फंसा हुआ है। दरअसल है क्या कि ये जो पूरी लड़ाई है ये दुनिया भर में लड़ी जा रही है, और बेशक इस टेक्नोलॉजी के दौर में ये कहा जाए ग्लोबल विलेज, लेकिन हर देश का अपना राष्ट्रवाद और अपने लोगों की जान ज़्यादा प्यारी है। इसी में हुआ क्या है वैक्सीन निर्माण में कि जो अमेरिका है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वैक्सीन को बनाने में 37 तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर उसका हिस्सा अमेरिका से और यूरोपियन कंट्रीज से भारत में आता है। भारत में जो दो कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, SII जिसको बोलते हैं, वो कोविशील्ड बना रही है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की, और जो भारत बायोटेक है वो बना रही है कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड का ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, उत्पाद है, वो अमेरिका से आती हैं, और अमेरिका ने उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि उसका कहना है कि हमें अपने लोगों की जान बचानी है। ठीक इसी तरीके से कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने भी यही काम कर रखा है। तो भारत अभी तक जिन देशों को भेज रहा था वैक्सीन, उनमें से कई ऐसे देश हैं, कुछ तो हैं कि जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनको मानवता के आधार पर दिया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां से के कच्चा माल आ रहा था। अब यहां पे जब शोर मचा, पॉलिटिकल पार्टी ने दबाव बनाना शुरू किया, तो अभी तक तो सरकार चुप थी, लेकिन जब ज़्यादा शोर मचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग ली और उसके तत्काल बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4500 करोड़ रुपये दोनों कंपनियों को दिया। 3000 करोड़ दिया कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 2 महीने का एडवांस, और 1500 करोड़ दिया कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक को, और इसके पहले 65 करोड़ दिया था उसकी जो बेंगलुरु इकाई है उसके लिए। तो 2 महीने का एडवांस दे दिया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बना करके हमें दीजिए। फिलहाल तो उनके पास कच्चा माल है, लेकिन अब सबसे बड़ा संकट ये पैदा हो गया है कि मई के बाद इन कंपनियों के पास इतना कच्चा माल नहीं है कि ये उतनी ही क्षमता से वैक्सीन का उत्पादन कर सके। अभी 4 दिन पहले अडार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं, उन्होंने अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन, उनको टैग करते हुए ट्वीट किया था कि आप इस तरफ ध्यान दीजिए, यदि कोरोना की लड़ाई मिल करके लड़नी है तो अमेरिका से बाहर जो कंपनियाँ ये वैक्सीन बना रही है इसके लिए कच्चे माल की व्यवस्था कीजिए, उसमें सहयोग कीजिए। तो इससे इस बात की पुष्टि हो रही है कि वाकई में आगे चल करके दिक्कत हो सकती है। तो ये असली वजह है जहाँ पे कि मामला जो है लटका हुआ है या फंसा हुआ है, और यहीं पे भारत की लड़ाई कमज़ोर हो रही है। हालांकि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं और उन लोगों को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बाइडेन से बात करने पड़े, तो वो रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन भारत की लड़ाई कोरोना से यहाँ फंसी हुई है। वैक्सीन के लिए इन्होंने ये तो कह दिया कि 18 साल के ऊपर के लोगों को अब 1 मई से लगाया जाएगा, लेकिन वैक्सीन उतना आएगी कहाँ से, ये सरकार के सामने यक्ष प्रश्न है। तो हमारी इस पर नज़र रहेगी, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।